स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनिंग गिल्ला में आप सभी का फिर से। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो SSL के एग्जाम जो होगी ना माइनिंग सदार की, उसका जो सिलेबस आ गया है और उसी से सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कितना हो गया। जो चैनल में नए होंगे वो वीडियो सारा है देख लीजिएगा। तो डिफिनेशन हो गया है, सेकेंड वाला भी हो गया है, थर्ड है ड्यूटी, ये भी हो गया। चौथा जो वीडियो है ना मेरा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस माइंड प्लांट्स, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो जो होता है वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिक में हमारा क्या आएगा, माइंड प्लांट। तो माइंड प्लांट सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं वो जानते हैं। स्टेचुरी माइंड प्लांट जो है ना, CMR 2017 में 7 गो को बताया गया। 7 गो जो हमारा है, जो स्टेचुरी माइंड प्लांट है, वो कौन कौन सा है, वो ये सब। पहला है सरफेस प्लांट, ठीक है। दूसरा है अंडरग्राउंड प्लांट। तीसरा है वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लांट। चौथा वेंटिलेशन। पांचवा जूलॉजिकल। नेक्स्ट वाटर डेंजर प्लांट। उसके बाद जो है जॉइंट सर्वे प्लान। तो ये सब सारे जो प्लान है ना, अब नाम से ही समझ गया मैं, सरफेस प्लान सरफेस के लिए, अंडरग्राउंड प्लान अंडरग्राउंड के लिए। वर्टिकल प्रोजेक्शन कब बनाया जाता है आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद है वेंटिलेशन प्लान, वेंटिलेशन पर्पज से बनाया गया प्लान वेंटिलेशन पर्पज के लिए। जूलॉजिकल, माइंस के अंदर में क्या क्या है, सरफेस कैसा है, उसका पोर्ट डाइक सील, ये सब जो दिखाया जाता है प्लान में, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल प्लान। वाटर डेंजर प्लान यानी कि आपका वाटर लॉग्ड एरिया, यानी कि जिस एरिया में पानी भरा हुआ है ना, वो सब एरिया का सारा सरफेस फीचर्स रहेगा, कहाँ कितना पानी है और क्या क्या है, यानी पानी से रिलेटेड जितना भी होगा उसमें बनाया जाता है वाटर डेंजर प्लान। ज्वाइंट सर्वे प्लान कब बनाया जाता है वो आगे में होता है। चलिए आगे देखिए, तो वो सब तो प्लान है ही, उसके अलावा जो है ना 7 गो याद रखिएगा, सिर्फ 7 गो ही स्टेचुरी प्लान है, ओनली 7, है ना। और उसके अलावा जो है कौन कौन से प्लान होते हैं, और भी प्लान बनते हैं उसके अलावा। एक होता है रेस्क्यू ट्रेसिंग प्लान, यानी रेस्क्यू एंड रिकवरी का काम करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। यानी रेस्क्यू एंड रिकवरी काम कब होता है, जब माइंस में कोई एक्सीडेंट होती है तब रेस्क्यू एंड रिकवरी काम होता है, तो उस समय हमें रेस्क्यू ट्रेसिंग प्लान बनाता है। एक है सब्सिडेंस प्लान, जब अचानक से रूफ होल होता है, सब्सिडेंस होता है बड़ा एरिया में, तो उसको सब्सिडेंस बोलते हैं, तो उसके लिए भी एक प्लान बनता है। एक है इलेक्ट्रिकल लाइन डायग्राम प्लान, यानी इलेक्ट्रिकल लाइन माइंस के अंदर, माइंस के ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में, कहीं भी लाइटिंग का पर्पस के लिए लाइटिंग किया जाता है, तो लाइटिंग के लिए ये प्लान बनता है, इलेक्ट्रिकल लाइन डायग्राम प्लान। एक स्टोन डस्टिंग प्लान, अगर आपका अंडरग्राउंड माइंस सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, 1 डिग्री में उतना स्टोन डस्टिंग नहीं किया जाता, लेकिन सेकेंड थर्ड डिग्री के लिए स्टोन डस्टिंग किया जाता, तो तीनों ही डिग्री के लिए स्टोन डस्टिंग प्लान भी बनाया जाता है, कि स्टोन डस्टिंग कहाँ कहाँ करते हैं और कितना मात्रा में करते हैं, है ना, स्टोन डस्टिंग कैसा होना चाहिए, वो सब प्लान में दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है डस्ट सैम्पलिंग प्लान, यानी कि आपके माइंस में मशीनरी चल रही, कोयला निकल रहा है, तो डस्ट जनरेट होता ही है, तो उस समय डस्ट सैम्पलिंग प्लान भी बनाया जाता है और ओपन कास्ट के लिए भी बनाया जाता है। ओवरमैन हैंड प्लान, ये ओवरमैन के पास रहता है। ऑफसेट प्लान बनाया जाता है, डिप्लरिंग में ऑफसेट प्लान बनता है। फ्लोर कंट्रोल प्लान बनता है। इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान में क्या होता है कि अगर माइंस में कोई इमरजेंसी का कंडीशन हो गया, उस समय हमें किधर से निकलना है, एस्केप रूट से निकलना रहता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है माइंस के अंदर से सर्विस में आने के लिए, तो वो इमरजेंसी प्लान में आपका वो सब रहेगा। फायर फाइटिंग प्लान, कहीं आग लग गया माइंस में तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो इस फायर फाइटिंग प्लान में वो सब लिखा रहता है, दिखा रहता है किधर किधर क्या करना है। मेन पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लान, ये आपका महीना में हर एक मंथ में पहला वीक का पहला दिन में बनाया जाता है, कि कहाँ कहाँ किनको कहाँ भेजना मेन पावर को, की प्लान इसको मैं नेक्स्ट में बताऊँगा अच्छे से। माइंड क्लोजर प्लान बनता है, एक प्रोग्रेसिव माइंड क्लोजर प्लान होता है, एक फाइनल माइंड
क्लोजर प्लान होता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट प्लान, एक्सीडेंट के समय क्या करना है, ये तो आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमपी का ये आपके सिलेबस में है और मैं उसका एमसीएल का जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो मैं डाल दिया। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखें पहले जाके, अगर चैनल में नए होंगे तो आप एसएमपी देख लें, आपको वहीं से मिलेगा एसएमपी। सपोर्ट प्लान, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान जो होता है, ठीक है। तो सात प्लान जो है हमारा स्टेट्यूटरी था, उसके अलावा भी इतने प्लान होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा हमारे स्टेट्यूटरी प्लान कितने होते, सात, और ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कौन कौन स्टेट्यूटरी प्लान नहीं है, तो उसके हिसाब से भी आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सात तो सात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा माइंड प्लान में मुख्य रूप से क्या क्या शो करना जरूरी है। एक जो प्लान बनता है ना तो उसमें क्या क्या शो करना रहता है वो कंपलसरी है, कुछ शो करिए ना करिए ये आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेम ऑफ प्लान, आपका किस पर्पज से प्लान बना रहा है उसका नाम होना चाहिए। नेम ऑफ ओनर, जिस माइंड के लिए आप प्लान बना रहे हैं उसका ओनर कौन है उसका नाम होना चाहिए। पर्पस ऑफ प्लान, यानी उस प्लान को बनाने का क्या पर्पस है, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ विथ डेट एंड टाइम, यानी कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ का भी डायरेक्शन होना चाहिए डेट और टाइम के साथ। कम से कम एक 25 मीटर लंबा एक सब डिवाइडेड स्केल, एक स्केल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है स्केल मैं आगे बताऊँ। एक आरएफ, यानी कि आप कितने स्केल में बनाए हैं, आरएफ समझते हैं, 1:1 अगर 1000 दिया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यही है कि एक जो है ना जो सबसे कम रहता है ना रेशियो के अगल बगल में एक है, तो ये आपका फील्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, फील्ड का डिस्टेंस। और ये जो होगा ना मैप का डिस्टेंस, अगर 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ पर लिए हुए हैं, सॉरी उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं करना है, ये आपका फील्ड डिस्टेंस है 1000 और ये आपका मैप का डिस्टेंस है ना। तो दोनों अगर सेंटीमीटर में लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर मैप में, अगर 1 सेंटीमीटर मैप है इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर फील्ड का डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है नोट में, सर्वेयर एंड मैनेजर का साइन होना भी जरूरी है जो कि रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ। तो रेगुलेशन में इतना ही चीज़ दिया हुआ था कि माइंड प्लान में होना जरूरी है, ये अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। उसमें आपका जो प्लान बनता है उसमें मैनेजर काउंटर साइन करता है और सर्वेयर भी दोनों का दोनों साइन रहता है, ठीक है। सर्वेयर बनाता है, साइन कर देता है कि मेरे तरफ से सही है, और मैनेजर उसको चेक करता है कि साइन करता है कि आपका प्लान सही है। अगर प्लान के हिसाब से कुछ गड़बड़ होता है तो मैनेजर सर्वेयर दोनों करते हैं, इसलिए साइन लिया जाता है। अगला क्या है, प्लान में एक सब डिवाइडेड स्केल क्यों दिया जाता है। जैसे मैंने बताया एक सब डिवाइडेड स्केल 25 सेंटीमीटर का रहता है, क्यों दिया जाता है यही पर पता होगा आपको, क्लियर हो। प्लान का श्रिंकेज फैक्टर को जानने के लिए, एक्चुअली में होता है क्या है ना, ये सब पेपर में प्लान बनता है तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मान के चलते हैं ना, पेपर में थोड़ा सा मोड़ाव आ जाता है। तो उस समय जो है ना एक स्केल अगर 25 सेंटीमीटर का बना दिए तो स्केल हम लोग मेजर करेंगे कितना श्रिंकेज हुआ, यानी कितना ज़्यादा सिकुड़ गया है, तो उस समय हमारा पता चल जाता है कि मैप में एरर कितना है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग मैप को रीडिंग करते हैं और हमारा एरर ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर एक सब डिवाइडेड स्केल बनाया जाता है श्रिंकेज फैक्टर को जानने के लिए, ठीक है। और जो माइंड प्लान है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मटेरियल की बनी होती है। तो तीन तरह का मटेरियल यूज किया जाता है माइंड प्लान बनाने के लिए, पहला है ड्यूरेबल पेपर, नेक्स्ट ट्रेसिंग क्लॉथ, उसके बाद तीसरा नंबर में है पॉलिस्टर फिल्म, यानी तीनों के तीनों कोई ना कोई माइंड में आपको मिल जाएगा। आप किसी माइंड में ट्रेनिंग किए होंगे या जॉब कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ और पॉलिस्टर फिल्म। नेक्स्ट है ओवरमैन हैंड प्लान अप टू डेट कौन कब किया जाता है, ठीक है। तो डेली या पर शिफ्ट में, ओवरमैन जो है ना अपना हैंड प्लान जो को डेली या शिफ्ट में अपना अपडेट करेगा, उसको सर्वेयर अपडेट करके नहीं देगा, खुद अपडेट करेगा, ठीक है। माइंड प्लान जनरली कितने समय में अप टू डेट किया जाता है, तो माइंड प्लान जितने भी बनते हैं ना सबको 3 महीने में अप टू डेट किया जाता है, कम से कम 3 महीना,
ठीक है, 3 महीना में इनको अप टू डेट किया, यानी कि फिर से उसको आगे आगे को मैप को बढ़ाया जाता है, वो 3 महीना का समय रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, ठीक है, याद रखिए। माइंड प्लान जनरली कितने आरएफ में बनाया था? जनरली जो है ना माइंड प्लान जो 1:2000 या 1:1000 में बनाया जाता, और कुछ अलग कुछ डिफरेंट डिफरेंट है जो अलग अलग प्लान बनते हैं, अलग अलग स्केल में बनते हैं। तो ये जो कुछ जो डाटा होंगे कुछ अदर्स, उसको मैं डाटा दे दूंगा क्या क्या है अदर्स में, और जनरली जो होता है यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर जनरली दिया हुआ तो आपको यही मारना है, अगर दोनों दिया हो तो बहुत जरूर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडरग्राउंड प्लान में वर्किंग फेसेस प्लेसेस से कितने मीटर के अंदर का सरफेस फीचर शो किया जाएगा? तो ये अंडरग्राउंड प्लान का बात कर रहा, 7 प्लान था ना, तो अंडरग्राउंड प्लान में वर्किंग प्लेसेस जहां पर काम और कितने मीटर के अंदर तक सरफेस फीचर शो किया जाएगा, तो अंडरग्राउंड में 200 मीटर के अंदर का, ठीक है, वो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल आगे की ओर का सरफेस फीचर दिखाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी, आगे क्या है वाटर लॉक्ड एरिया होगा तो फिर पानी भरेगा तो काफ़ी एक्सीडेंट होगी और काफ़ी लोग मर सकते हैं, तो वो इसलिए सरफेस फीचर दिखाता है मैप में कि आगे क्या है। अंडरग्राउंड माइंस प्लान में वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान कब बनाया जाता है? तो ये 7 में से एक है वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान, तो कब बनाया जाता है? जब सीम का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक होने पर, तो सीम आपका जो है फ्रेट तो रहता है नहीं, झुका हुआ रहता है, अगर डिग्री में 30 डिग्री से ज़्यादा क्रॉस करता है तो उस समय वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। ओपन कास्ट वर्किंग के कंडीशन में वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान कब बनाया जाता? ये तो अंडरग्राउंड का था, वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान कब बनाया जाए, लेकिन ओपन कास्ट में किसी भी कंडीशन में बनाना ही बनाना, जो कि 100 मीटर के इंटरवल में होगा, है ना, इंटरवल क्या होगी 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सर्वे प्लान किस कंडीशन में बनाया जाता? ज्वाइंट सर्वे प्लान, ज्वाइंट सही समझ में आ रहा है कि दो चीज को ज्वाइन किया जा रहा है, तो इसी का विश्लेषण के अकॉर्डिंग इसका आंसर आने काफी इजी हो जाता है याद रखना। जब किन्हीं दो माइंस के बैरियर के 60 मीटर के अंदर वर्किंग पहुंच जाए, यानी कि आपका एक मान लेते हैं ये बैरियर, ये 7.5 मीटर छोड़ता है, 1.5 मीटर, तो दोनों तरफ अगर एक माइंस है तो ये बैरियर हमारा कितना हो जाएगा 15 मीटर का, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर एक माइंस है, -1, -2, अभी दोनों 60 मीटर के डिस्टेंस में आ गए, इसका बैरियर ये है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर हो जाएगा, और इसका बैरियर ये है, ये माइंस का, तो यहाँ भी अगर 60 मीटर के अंदर आ गया है तो उस समय हम लोग ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं, समझ गए होंगे, ठीक, अगर नहीं समझेंगे कॉमेंट कीजिए। लाइव पढ़ाना काफ़ी ईजी होता है, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द पहले एग्जाम आप लोग दे दीजिए, उसके बाद ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा मैं, उसमें सिलेबस बता दूंगा क्या क्या रहेगा, ठीक है। अगर कोई अभी से चाहता है कि पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके क्या क्या सिलेबस में रहेगा सारा डिटेल डालूंगा, और मेरा टेलीग्राम में जो नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ जाइए, ठीक है। अभी MCQ में डाला नहीं हूँ, डालना शुरू करूँगा, आप लोग अगर मिस करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, कमांड प्लान किस कंडीशन में बनाया जाता है? कमांड प्लान भी बनाया जाता है किस कंडीशन में? तो कमांड प्लान के कंडीशन दो है, कंटीग्यूअस सीम या वर्किंग, कंटीग्यूअस सीम और वर्किंग के कंडीशन में बनाया जाता है, ठीक है। कंटीग्यूअस किसको बोलते हैं? जब दो सीम 1 है, सीम 2 है, अगर ये दोनों का डिस्टेंस सीम 1 सीम 2 थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, Within 9 meter है, ये दोनों का जो है C1 C2 अगर 9 meter के अंदर आता है तो उसको बोलते हैं contiguous seam, ठीक है। तो और working किसको बोलते हैं? contiguous seam में working चलाने को ही हम लोग contiguous working बोलते हैं, ठीक है। contiguous seam में working चलाने को contiguous working बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा contiguous seam किसको बोलते हैं और working किसको बोलते हैं, तो ठीक है। कमांड प्लान यही कंडीशन में बनाया जाता है, और दूसरा कंडीशन क्या है? मल्टी सेक्शन वर्किंग के कंडीशन में। और मल्टी सेक्शन वर्किंग क्या है मैं वो भी क्लियर करवा देता हूँ। एक मान लेते हैं हमारा 10 मीटर का 20 मान लेते हैं, चलिए 20 मीटर का आपका कोल सीम है, यानी कि हमारा कोयला है, तो उस समय हमारा परमिशन क्या बोलता है?
4.8 मीटर चौड़ा रखना है, 3 मीटर ऊंचा रखना है। तो अब हमारा 20 मीटर है, तो 3 मीटर ऊंचा तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। उसके बाद भी ऊपर में जो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर जो चलाते हैं तल्ला बाय तल्ला घर कैसे बनता है, उसके बीच में एक वो हम लोग को जो छत बोलते हैं, अगर एक रूम एक फ्लोर रहा तो वो फाटिंग हो जाता है ना। तो तल्ला 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 बाय तल्ला उसको बोलते हैं मल्टी सेक्शन वर्किंग। और तल्ले के बीच में जो यहाँ पर कितना गैप रहेगा, नॉट लेस देन 3 मीटर, याद रखिएगा है ना, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, नॉट लेस देन 3 मीटर रहता है। मल्टी सेक्शन वर्किंग जब चलती है ना, एक तल्ला चला और उसके बाद छत जो है उसका ना पार्टिंग कितना 3 मीटर से कम नहीं रहेगा, फिर ऊपर में चलाया जाएगा। तो ज़्यादा मोटा सीम होने पर मल्टी सेक्शन वर्किंग चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद होंगे आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट है कंटूर लाइन कितने मीटर के इंटरवल में शो किए जाते हैं। जनरली जो होते हैं ना 5 मीटर के इंटरवल में शो होता है, ठीक है। और यदि किसी माइंस में अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं, कोई माइंस चल रहा है उसमें अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं, तो उस कंडीशन में कंटूर लाइन 10 मीटर के इंटरवल में बनाए जाएंगे, ठीक है। और हिली ट्रेन के कंडीशन में, यानी कि हिली एरिया में है ना, हिली एरिया कैसा होता है, हमारा सीम का कॉल का सीम इस तरह का है और यहाँ से एक बड़ा सा हिल बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग माइनिंग करते हैं, एडिट बोलते हैं, इस तरह का रास्ता हॉरिजॉन्टल बनाते हैं जिसको एडिट बोलते हैं, वही होता है हिली एरिया, ठीक है। तो समझ गए, उसमें तीन चीज समझ में आ गया, हिली एरिया एडिट समझ में आ गया है ना, और कैसे चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है। ये सीम आपका इंक्लिनेशन आने के ढाल में भी हो सकता है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं कि आपका हॉरिजॉन्टल या सीम झुका हुआ भी रह सकता है, इस तरह से आपका झुका हुआ रहा, लेकिन यहाँ पे हिली एरिया में रहता है, इसमें एडिट बनाना पड़ता है घुसने के लिए हमें सीम आने कोयला को निकालने के लिए। तो उस कंडीशन में जो है ना रीजनल इंस्पेक्टर बताएगा कि कितना मीटर में शो किया जाएगा कंट्रोल लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से प्लान में कंट्रोल लाइन शो किए जाएंगे। तो कंट्रोल लाइन जो है किस किस प्लान में शो किए जाएंगे, तो एक को छोड़कर बाकी सब में होता है। आपका 7 स्टेट्यूटरी प्लान में बताया ना, तो एक को छोड़ देना, वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान को छोड़कर बाकी सब में कंट्रोल लाइन शो किया जाता है। तो बाकी 6 बच गए हमारे, ठीक है। सभी स्टेट्यूटरी प्लान में स्पॉट लेवल प्लान पर कहाँ दिखाया जाए, फ्लोर का दिखाया जाता है, ठीक है। स्पॉट लेवल कहाँ का दिखाया जाता है, फ्लोर का, फ्लोर का। नेक्स्ट है स्पॉट लेवल को अंडरग्राउंड प्लान में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, अंडरग्राउंड प्लान में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, हैंड ट्रामिंग रोडवे को छोड़कर। यानी हैंड ट्रामिंग का मतलब होता है वैसा जगह, वैसा होलेज का जगह जहाँ पर टब को आदमियों के द्वारा धकेला जाता है, उसको बोलते हैं हैंड ट्रामिंग रोडवे, यानी उस जगह को हैंड ट्रामिंग बोलते हैं। तो उस जगह को छोड़ के बाकी हॉलेज रोडवे के जंक्शन में, जंक्शन किसको बोलते हैं, इस तरह का आपका बीच में एक पॉइंट बनता है, एक मान लेते एक इधर गया है फेस, एक फेस इधर गया है, एक फेस इधर गया है, एक फेस इधर गया है, तो इस सब का बीच कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन, ठीक है। जंक्शन समझिए, तो जंक्शन में जो किसी भी कंडीशन में 150 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 150 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ए बी कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट है प्रत्येक हेडिंग के एंड में चाहे वो टेम्प्ररी या परमानेंट रूप से बंद हो या डिस्प्ले, यानी जहाँ आपका हेडिंग है, जहाँ हेडिंग का अंत होता है, चाहे वो बंद रहे चालू रहे या कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर भी स्पॉट लेवल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी माइंस में परमानेंट बेंचमार्क कहाँ बनाया जाता है। तो परमानेंट एक बेंचमार्क बनाया जाता है, वो कहाँ पर बनाया जाता है, सरफेस में बनाया जाता है, याद रखिएगा। सरफेस का मतलब होता है जहाँ अंडरग्राउंड है वहीं पर सरफेस आता है, ओपन कास्ट में सरफेस नहीं आता है। तो अंडरग्राउंड को अंडरग्राउंड बोलते हैं, और उसके ऊपर जो एरिया रहता है अंडरग्राउंड के ऊपर एरिया, जो बाहर की ओर जहाँ हाजिरी लगाते हैं लोग, जहाँ पर ऊपर की ओर रहते हैं जहाँ सरफेस, उसको सरफेस बोलते हैं, ठीक है।
की प्लान किस कंडीशन में बनाया जाता है, अब की प्लान जो भी था स्टेटरी प्लान में उसको किस कंडीशन में बनाया जाए, तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या क्यों बनाया जाता है। जब किसी माइंस का लीज होल्ड एरिया, लीज होल्ड एरिया का मतलब है कि कोई ओनर है या मान लीजिए आप ही का घर है, जितना बड़ा आपका एरिया है मतलब जितना आपका जमीन है उसी के अंदर आप घर बनाइएगा, तो इसी तरह माइंस में भी होता है, जितना लीज होल्ड एरिया है उसी को बोलते हैं लीज होल्ड एरिया। तो लीज होल्ड एरिया हमारा जितना है उतना, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो किसी एक प्लान में शो करना संभव नहीं है। तो एक प्लान, एक पेपर में प्लान बनाया जाता है, पेपर का प्लान कितना बड़ा होता है देखे होंगे, तो उसमें अगर आपका शो करना संभव नहीं है एक प्लान में, तो उस समय अलग से एक की प्लान बनाया जाता है, उसी के लिए एक की प्लान बनाया जाता है जिसमें माइंड बाउंड्री या वर्किंग आउटलाइंस का शोध किया जाता है, यानी माइंड बाउंड्री दिखाया जाता है और वर्किंग आउटलाइंस को दिखाया जाता है। उम्मीद होंगे समझ गए की प्लान किस कंडीशन में बनाया जाता है, ठीक है। जब कोई माइंस परमानेंट बंद या 60 दिन से अधिक स्थगित किया जाता है तो उस कंडीशन में कौन कौन से अप टू डेट प्लान भेजे जाते हैं, किस आपका माइंस अगर 60 दिन के लिए अगर स्थगित कर दिए हैं यानी कि आप माइंस को नहीं चला रहे हैं, बंद है कोई कारण से, ठीक है, या उससे अधिक समय के लिए बंद है, उस कंडीशन में हम लोग को ना एक अप टू डेट प्लान भेजा जाता है। कौन कौन से प्लान भेजे जाते हैं किसको, ये उसी का डिटेल। तो किसको भेजा जाता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी DGMS के हेड चीफ इंस्पेक्टर को। और कौन कौन से प्लान रहते हैं उसमें, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वर्टिकल प्रोजेक्शन, जॉइंट सर्वे एंड वाटर डेंजर प्लान, यहाँ डी छूटा हुआ, वाटर डेंजर प्लान, ठीक है। हमें 5 प्लान भेजना पड़ता है और भी चीफ इंस्पेक्टर। रेगुलेशन नंबर 70 यानी CMR का रेगुलेशन नंबर 70 के अनुसार माइंस के ओनर, ओ फॉर ओनर, ए फॉर एजेंट, एम फॉर मैनेजर, ठीक है, ओनर एजेंट मैनेजर किस किस कंडीशन में इंश्योर होगा कि माइंड प्लान एंड सेक्शन एक्यूरेट है। तो कुछ कंडीशन है कि हमें चेक करना रहता है कि माइंड प्लान सही है कि नहीं, ठीक ना। तो कंडीशन क्या है, जब किसी माइंस का ओनरशिप चेंज हो जाए, तो मान लीजिए कोई दूसरा ओनर चला रहा था कंपनी में, कुछ गड़बड़ करके गया हुआ माइंस में, तो उस समय अगला को हैंड ओवर कर रहा है तो उस समय रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। अब हम खरीद लिए हैं तो कुछ भी अगर माइंस में गड़बड़ी करके चलाया तो सारा रिस्पॉन्सिबल नए मालिक पर जाएगा, इसलिए उसमें इंश्योर किया जाता है कि आपका प्लान सही है कि नहीं, ठीक है। जब किसी माइंस या उसके किसी भाग को रीओपन किया जाए, अगर कोई माइंस बंद है उसको रीओपन किया जा रहा है, उस समय भी चेक किया जाएगा। और जब किसी माइंड या उसके किसी भाग को रीओपन कर, कोई माइंस पहले से चला हुआ है या माइंस का कोई भाग पहले से चला हुआ है और फिर उसको खोल रहे हैं, उसमें चलाना हम चाह रहे हैं अपना हेडिंग, तो उस समय भी हमारा जो है कि माइंड प्लान सेक्शन चेक होगा और इंश्योर होगा कि सही है क्या। नेक्स्ट है, जब किसी माइंस या उसके किसी भाग में डिफ्लरिंग करके डाला, तो डेवलपमेंट और डिफ्लरिंग होता है बोर्ड एंड पिलर में, तो डेवलपमेंट के बाद डिफ्लरिंग होती है। तो डिफ्लरिंग का अगर हम लोग इरादा करते हैं कि अब हमें डिफ्लरिंग करना है, डेवलपमेंट हो चुका है पूरा का पूरा सिम में, तो उस समय भी हम लोग चेक करेंगे माइंस प्लान एंड सेक्शन को। मैंने बताया था जनरली जो बनाया जाता है जो प्लान होता है 1:1 या 1:2000 में, ठीक है। कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि उस तरह के नहीं बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। अभी मैंने 2 लिखा है, बाकी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका, अभी काफ़ी है, लगभग मैं 7-8 होंगे। तो अगर चैनल में आप नहीं जुड़े होंगे मेरे टेलीग्राम में तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2 ही लिखा हूँ, बाकी मैं बता दूंगा, और भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लान होता है, डस्ट प्लान होता है, और भी प्लान है। तो ऑफसेट प्लान के बारे में जानिए, 1:5500 में बनता है। और सैम्पलिंग प्लान जो है ये फिक्स है, नॉट लेस देन मोर देन, कुछ नहीं ऑफसेट प्लान में, ठीक है, ये डिप्लेरिंग में बनाया जाता है ऑफसेट प्लान। सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है, नॉट लेस देन यानी कि इतना से कम में नहीं बनाया जाएगा। एक बार और बता देता हूँ, 1 और 500 का क्या मतलब है, या 1 या 2000 का क्या मतलब है।
ये आपका प्लान का डिस्टेंस हो जाएगा और ये फील्ड डिस्टेंस 500 फील्ड डिस्टेंस है और एक प्लान यानी एक सेंटीमीटर ये है ना अगर मैप में तो समझ लीजिए 500 सेंटीमीटर फील्ड का है, ठीक है। अगर मीटर में है तो मीटर में होगा, दोनों के यूनिट सेम होगा। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, आपका प्लान पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आपको नॉर्मली जानना था, आप जान गए, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम में जुड़िए, अभी काफ़ी कम जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने उसमें क्यूज नहीं डाला हुआ है MCQ। जल्दी से जल्द, हम चाहते सभी के लिए हो अवेलेबल, किसी एक के लिए ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़े। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा।